टेंशन है लो, कुछ ना होगा. एब्सोल्युटली. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर का न्यू रोपवे देखने के लिए. चलिए चलते हैं. तो ये फ्रेंड्स, ये है जू सफारी का बाहर से नज़ारा, आप देख सकते हैं. हम लोग तो अभी रोपवे पे जा रहे हैं, इसलिए इसके अंदर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, इसका वीडियो जल्द आएगा. तो चलिए चलते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने विश्व शांति स्तूप गेट है, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे. यहाँ से थोड़ी दूर और है, चलिए चलते हैं. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए हम लोग को पीछे ही रुकना पड़ा. अब यहाँ से हम लोग को पैदल चलना होगा. अब यहाँ हम लोग मास्क लेना ज़रूरी है. ये रहा एंट्रेंस गेट, और हम देखेंगे कि पुराना रोपवे और न्यू रोपवे का जो प्राइस है वो सेम है या अलग अलग है. चलिए देखते हैं दोनों का क्या प्राइस है. यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, चलिए टिकट कटाते हैं. पहले हम लोगों ने टिकट कटा लिया है, और ये टिकट का भी, न्यू रोपवे का भी टिकट 80 रुपये है, पुराने वाले का भी 80 रुपये है, और ये न्यू वाले का भी 80 रुपये है. आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है. एक्साइटेड हैं चढ़ने के लिए इस पर. पुराना वाला रोपवे देख सकते हैं, वहाँ कुछ ही लोग वहाँ जाते हैं, उस पर जा रहे हैं अभी. न्यू रोपवे का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं सब. चलिए देखते हैं कि कितने आदमी लोग बैठेंगे उस पर, क्या है सिस्टम देखते हैं. ये रहा यहाँ, ये बोर्डिंग गेट है. ये देखिए, ये अगला जा रहा है. चलिए हम लोग फाइनली, अब हम लोग रोपवे पर बैठ गए हैं, और ये स्टार्ट हो चुकी है. अभी काफ़ी स्लो है, कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है अभी. चलिए देखते हैं कि ऊपर जाने के बाद कैसा लगता है आपको. लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, एकदम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस नए रोपवे पर. आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो व्यू है, काफ़ी अमेजिंग, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में एकदम. आइए देखिए ऊपर से, आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है एकदम, जो काफ़ी इस पर से देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है. तो अब फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, और जिस टिकट से हम लोग ऊपर आए हैं, जब आप वापस जाएंगे तो इसी टिकट को आपको वापस चेक कराना होगा. आप टिकट को फेंक नहीं दें, आपको दोबारा टिकट चेक करेंगे वहाँ पे. तो चलिए अब देखते हैं पहाड़ के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, चलिए चलते हैं. तो आप लोग सकते हैं हमारे सामने गौतम बुद्ध का ये बहुत बड़ा ये टेम्पल है, राजगीर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जो कि काफी शानदार है.